तो गाइस इस प्यारे से माइनक्राफ्ट शहर के अंदर होता है एक खतरनाक सा मर्डर, वो भी मेरे दोस्त वीजीआई का, जो करवाता है इस शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन, जिसके पास है करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की कार्स और जेड प्लस सिक्योरिटी, और मैं जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो क्या मैं इस माफिया को असासिनेट कर पाऊंगा? ये सब शुरू होता है मेरे घर से। अबे यार कब से वेट कर रहा हूँ भाई, अभी तक विजय पहुंचा नहीं यार, कितना देर लगाएगा? बोल रहा था बस आधे घंटे में आ जाऊंगा भाई, नखरे देख रहे हो, अभी तक पहुंचा ही नहीं है लौंडा भाई। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मैंने उसको यहाँ पर बुलाया और उसको आया कि पड़ी नहीं है भाई। ठीक है कोई बात नहीं यार, वेट ही कर सकते हैं, और तो क्या ही करे। ये बेल बजा, कौन आया? कोई तो आया शायद। ओसिरिस है क्या ये? अबे ओसिरिस तू क्यों आया भाई, मैं कब से विजय का वेट कर रहा हूँ भाई, उसको भेजना भाई मीटिंग में, कहा अटक गया क्या? अरे बात तो सुन पहले, जल्दी अंदर से, खतरा हो सकता है। क्या हुआ भाई, कुछ खतरनाक सीन हो गया क्या? अरे जो पता नहीं चला क्या? क्या क्या? अरे युग वीजीआई का एक्सीडेंट हो गया, ही इज नो मोर। क्या? अबे भाई ये सब क्या बात कर रहे हैं, अभी तो आज हमारी बात हुई थी कुछ घंटे पहले, वो उसके लिए मीटिंग के लिए, और वो भी मर गया। एग्जैक्टली भाई। कैसे? यहाँ पर कुछ इस तरीके से विजय बढ़ रहा था मेरे ऑफिस तक आने के लिए, पर somehow बीच रास्ते में एक ट्रैप सेटअप किया गया और वो आगे बढ़ ही नहीं पाया, और उसी वक्त एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तो इस वजह से VGI is no more and मैं बस पता लगाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे क्या हुआ मेरे भाई। पता लगा भाई, किसने ठोका उसकी गाड़ी, पूरी फूट गई भाई बेचारा, क्या करे अब। अरे तो उसकी लास्ट बात तो तुझसे हुई थी ना, जब तू तेरे ऑफिस में था। हाँ हाँ, पर यार इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने ठोका है उसे यार, मेरा तो दोस्त था वो। ऑफकोर्स हमारा दोस्त है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो लास्ट तुझसे मिलने आ रहा था तो ये काम किसी ऐसे का ही है जिसको ये पता था कि वो तुझसे मिलने आने वाला है। विजय ने किसी को नहीं बताया होगा, मुझे मालूम है। तूने किसी को बताया? मैंने किसी को नहीं बताया भाई, विजय यहाँ पे आ रहा है। और कोई तो है जिसे पता था योग, सोच ना। नहीं यार मैंने ये चीज किसी को बताई नहीं अभी तक, अपने ऑफिस में किसी को भी। अगर किसी बंदे ने वाकई ये चीज की है तो वो बिल्कुल अब ऑफिस आने का रिस्क नहीं लेगा। तू बस इतना पता करा कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो ऑफिस में ना हो इस टाइम पे। ओ रुको रुको रुको, अभी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। ओके ओसिरिस मेरी बात हो चुकी है, अभी ऑफिस के अंदर मैंने कॉल लगाया था और मैंने मेरी मैनेजर से बात किया, उसने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि एक वर्कर है जो पिछले 2 दिन से लगातार छुट्टी पर है और एक भी कॉल नहीं उठा रहा है, उसने कोई रीजन दिया नहीं है छुट्टी का। मेरे हिसाब से वो वही वर्कर हो सकता है जिसको क्या पता वो इस मामले में कैसे जुड़ा और उसको इन्फॉर्मेशन पता चल गई हो कि विजय यहाँ पर आने वाला है और उसने कोई प्लान बना दिया हो तो। हाँ ये बहुत पॉसिबल है युग, हमें कुछ भी करके उसके घर जाना होगा। एड्रेस होगा ना तेरे पास? हाँ हाँ मैं एड्रेस निकलवाता हूँ, चलो भाई अपन उसके घर चलते हैं। ओके ओसिरिस फाइनली मेरे को एड्रेस मिल चुका है बड़ी, ये देखो भाई ये रहा उसका एड्रेस, C3 वुल्फ स्ट्रीट और केप टाउन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से भाई बहुत नजदीक है यार उसका घर तो। यस एग्जैक्टली, मगर ये थोड़ा बाहरी इलाके में, सेफली जाना पड़ेगा अपने को। कोई बात नहीं भाई चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो भाई गाड़ी। यही है वो एड्रेस भाई, इधर अपन पहुंच चुके, ये इसका ऐसा घर कब है? ओके पता नहीं, छोड़ो अंदर चलते हैं। और ये रहा पप्पू, हेलो। बाहर निकल वरना गोली मार दूंगा। एक सेकंड पप्पू रुक जा भाई, मेरी बात सुन, ये जो भी हुआ है कांड क्या है इसमें तू शामिल है? अरे युग तू पीछे आ, वो गोली मार देगा, रुक हट पीछे, मैं देखता हूं। देख गन हमारे पास भी है, चुपचाप से जवाब दे दे, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो मार देंगे भाई, बता रहे चुपचाप से बता दे सब। तो ये वही वर्कर था जिसने मेरी और विजय की कॉल पे सारी की सारी बातें सुनी थी अभी से जस्ट कुछ घंटे पहले। इसका हो गया, ये काम निपट गया, चलो सही है। अच्छा वैसे तुम देख लो इस साइड का काम तुम निपटा लो, ठीक है? आज शाम तक मेरे को इसका सारा काम डन चाहिए, ठीक है? मैं शाम को आके चेक करूंगा सब कुछ, ठीक है? एक सेकंड मेरे को एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो युग, कैसा है भाई, बड़े दिनों बाद। अरे बड़े दिनों बाद भाई, यहाँ बताओ कैसे कॉल करना हुआ? अरे मेरे को कुछ अर्जेंट बात करनी थी, इम्पोर्टेंट था थोड़ा, तो एक शाम को मीटिंग रखे। हाँ शाम को 5 बजे रखते हैं, फ्री हूँ मैं। 5 बजे फ्री है ना, चलो 5 बजे मैं आता हूँ तेरे पास, तेरे ऑफिस में ही आता हूँ, ठीक है? वहीं रहना। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस वाले वर्कर ने मेरी और विजय की सारी बातें सुन ली और हो गया सबसे बड़ा कांड। तो अभी अभी जो कुछ टाइम पहले कुछ गैंग वालों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, एंड अगर मैं उन्हें वीजीआई का लोकेशन नहीं बताता तो फिर वो लोग मुझे मार देते। क्या तुमने भाई, अबे वो फेक भी तो हो सकता है, तुमने विश्वास कैसे कर लिया पप्पू? अच्छा वैसे ये बता सकते हो कि वो जो गैंग था उसका नंबर या फिर क्या था, तुम्हें नाम पड़ा होगा जब कॉल आया था। बट उनका तो नंबर ही नहीं दिख रहा था और स्क्रीन पे अननोन दिख रहा था। अबे यार डर गया।
छोड़ो, कुछ फायदा नहीं है यार, चलते हैं चलते हैं भाई, क्योंकि भाई मान के चलो अननोन नंबर है तो ट्रेस भी नहीं हो पाएगा यार, वो क्या कर सकते हैं। फिर टोसोरस मेरे पास एक आइडिया है। बता क्या। लाइक जब धमाका हुआ था वहां पर, ठीक है, तो उसके अंदर तो बहुत सारे TNTs यूज हुए होंगे और सर्वर में तो कहीं TNT मिलते नहीं है, कॉज कुछ TNT का है ही नहीं बनाने के लिए रिसोर्सेज, TNT तो सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, TNT फैक्ट्री। ओ हाँ, और वहां से पता चल जाएगा कि TNT लिए किसने। चल भाई जल्दी चलो 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 तो उसरिस चलते फटाफट से TNT फैक्ट्री लेता हूँ मैं, ठीक है। चलते चलते उसरिस आएगा, चाहिए भाई TNT फैक्ट्री, चलते है भाई। सुन ना, सुन तो इधर आ, इधर क्या हुआ, ये देखिए रिंग निकल आ, ये देखिए क्या, ये इससे उसको डराएंगे भाई लाइटर से। अच्छा ओहो, ठीक है उसे चलती है भाई, अंदर चलते हैं, इसको उससे धमकाएंगे भाई अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा तो। कौन है भाई यहाँ पे, मैं आ तो चुका हूँ फैक्ट्री के अंदर, कोई कुर्सी घुमाकर बैठा है। ए मियां कौन आया, ये कैसा अजीब सा आदमी है, ये क्या बांधा है इसने सर पे। हम फैक्ट्री के मालिक है, तुम कौन। हम एक्चुअली कस्टमर, कस्टमर। हाँ बताओ मियां क्या चाहिए, TNT गाड़ी का इंजन सब मिलेगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर वो युग वो कह रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, टाइम पे डिलीवरी नहीं करता है ये, देख रहा है भाई। TNT फोड़ देंगे सारे, TNT फोड़ देंगे यहाँ पे। ए ए ए दूर रहे, ए देख तो देख, अगर तू चाहता है कि हम यहाँ पे कुछ ना करें तो तेरे को एक बात बतानी पड़ेगी हमें। हाँ पूछो पूछो। देखो एक्चुअली बात ये है कि मेरे दोस्त पे हुआ था कुछ टाइम पहले अटैक, उसके अंदर बहुत सारे TNTs यूज हुए थे और एक बहुत बड़ी माफिया टीम है जिसने ये TNTs फोड़े हैं। तो क्या तुम्हारी फैक्ट्री में से TNTs किसी ने खरीदे थे। ये मैं तुम दोनों को नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल ऐसी की तैसी, चुपचाप बता कि इसने TNTs लिया, नहीं तो अभी क्या, अभी ठोक दूंगा, निपट जाएगा, दिखेगा भी नहीं। ए, तुम दोनों निकलो यहाँ से, गुंडागिरी करने आए हो। चुपचाप बता दे, ये इसके पास भी गाना है। ये देख TNTs भी चला देगी, धमाका हो जाएगा बहुत बड़ा। देखो देखो बात समझो मेरी, ये मत करो, बाहर निकलो तुम लोग मेरी दुकान। रुक रुक देख भाई, देखिए बता रहा, बता रहा, एक मिनट एक मिनट बता रहा। हाँ मियाँ, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ माफिया लोग आए थे लेने, बहुत सारे TNT, वो लेके भी गए लेकिन गुंडागिरी करके गए, पैसा देके भी नहीं गए मेरा, मैं गरीब यार। हाँ भाई पता है, ओवर एक्टिंग बाद में करिए चल। अच्छा वैसे ये बता, ये एड्रेस वेड्रेस पता है, गन मत दिखाया, मेरे पास भी है, ठीक है, भूल मत। सुरेश देख, अगर जिसने एड्रेस नहीं दिया ना, चला दियो गन, चला दियो, आई डोंट केयर, ठीक है। दे रहा हूँ मियाँ, गन गन नीचे, गन नीचे, गन नीचे नहीं, गन ऊपर कर, ऊपर गन ऊपर ऊपर। हाँ एड्रेस दे, एड्रेस ये लो मियाँ, अब मेरी दुकान पे मत आना आज के बाद, ये लो। उसे एड्रेस मिल गया, चलते चलते चलते। अरे छोड़ना, अरे वो बच्चा है, पर टाइम पास मत कर उसके साथ, फालतू में चलते। ओके ओके चल चल उसरिस भाई, एड्रेस मिल गया, देख देख क्या मस्त एक्टिंग करते हैं अपन लोग। चलते चलते हैं भाई फटाफट से और देखते हैं कि अपने को बंदा मिलता है कि नहीं, ठीक है। उसको ना ऐसे दबोच लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, साले को विजय को मारता है। मेरा था कि ये फैक्ट्री भी जलाई हुई है, यहीं से TNTs मत। अरे छोड़ना भाई, फालतू बड़ा मामला हो जाएगा, चलना चलते। अरे युग सुनना। हाँ क्या हुआ भाई, ये तेरे को पक्का विश्वास है ना। अरे एड्रेस तो वही है भाई, एड्रेस तो वही है, चलना चलते है भाई। अरे टपक जाएगा माफिया, मेरे पे भरोसा रखो फुल। एक सेकंड, एड्रेस के मुताबिक तो यही घर है। ये घर, अबे भैंस की साला, ये घर माफिया का कैसे हो सकता है। साला अपने साथ कोई तो गेम खेला है, वो गलत एड्रेस दिया है अपने को। गलत, हाँ, गलत एड्रेस दिया, ये क्या चिंदी जगह है भाई। यहाँ पे माफिया तो क्या उसका एम्प्लॉय भी ना रहे भाई, ये इसकी फैक्ट्री की, तो मैं इसी की साला मूड खराब है, ऐसा थर्ड क्लास घर का एड्रेस दिया साला, आज फुल इस एड्रेस की। अरे ये ग्रुप ना, रुक पाल आ रहा है। किसका कौन, यस स्पीकिंग, है सच में, नहीं मैं नहीं मानता। क्या हुआ मेरे को तो बता भाई। खुशखबरी भाई, खुशखबरी, खुशखबरी। क्या हुआ, जल्दी भेज दो। अरे वो मैंने सर्विलेंस के लिए दिया था ना वो नंबर, जिससे कॉल आया था तेरे प्यून को। अच्छा वो माफिया का कॉल जो वो प्यून को आया था, वो पैसे देने के लिए, विजय को मारने के लिए। ट्रेस हो गया, कहाँ पे, कहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे उसकी। अरे वो तेरे को DM करेगा, वो उसने बोला है कुछ देर में एग्जैक्ट लोकेशन, चलते हैं भाई। ओ ठीक है, आप तो ठोक के आएंगे, रुकना उसरे, मेरे को पता है, मेरा दोस्त की एम्युनिशन की शॉप है, तो अपन वहाँ पे चलते और बहुत सारे गन्स वगैरह लेके आते हैं ना, ठोक देंगे माफिया को। हाँ चल चल चलते भाई, गन्स वगैरह खरीदते हैं। तेरे को लगता है ये पिचकारी कुछ कर पाएगी है भाई, चिंदी है भाई, कोई तगड़ी सी गन चाहिए भाई, मैं तो कहता हूँ स्नाइपर लेके आते हैं। हाँ नाइस वन, मैं एक असॉल्ट राइफल और ले। ये ना बात, आजा आजा भाई, आजा उसरे चलते हैं, ये मेरे दोस्त की दुकान है, आजा आजा ना अंदर। Let's go. Hello, Sachin bhai. Hi, hi, hi. Yug place. काफी दिनों बाद. क्या हाल है? Yes, एकदम बढ़िया भाई. Actually यार, एक सीन हो चुका है भाई. क्या हो गया भाई तेरे साथ? बताओ यार उसे. अरे यार हमारे साथ नहीं हुआ, वो VGI है ना अपना.
वो गाड़ी से जा रहा था तो उसकी गाड़ी के नीचे किसी ने लगाई टीएनटी और टीएनटी सुलगाई। हाँ तो विजय टीएनटी लगा दी उसके दुकान के मतलब उसकी गाड़ी के नीचे। अरे युग भाई कुछ भी ले जाओ यार विजय के लिए, जो गन चाहिए सारी ले जाओ। भाई मैं ये गन्स वगैरह दे तो रहा हूँ बट मैं तुमको बिना लाइसेंस के दे रहा हूँ, ठीक है? तो ढंग से चलाना। अरे टेंशन नॉट, बहुत एक्सपीरियंस है अपने पास। और ये देखो उस AWM ब्रो, इससे मैं उसका सीधा माथा फोड़ूंगा भाई। चलो ठीक है सचिन भाई, थैंक यू यार, पैसे वैसे का देख लेना अगर चाहिए हो तो। वैसे अरे कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है, जा मुझे बताते तू दे नहीं सकता। नहीं ऐसी बात, अब तो बहुत, ये फेंक के मारूंगा पैसे। अच्छा ओ भाई आजा उसरे, चलते हैं फटाफट से। आजा आजा चल चल उसरे, गन्स वगैरह का स्टॉक देख रहा है। AWM M24 एकदम कड़ा के देखना, ये देख भाई क्या चलती है भाई, उड़ता कबूतर मर गया। चल और क्या, चल चल चलते हैं, ठोक के आधे साले माफिया की ऐसी की तैसी। लेट्स गो सुरेश भाई, इसी घर के अंदर से ये फोन के नंबर की ट्रेसिंग आ रही थी ब्रो। अरे रुक, छप्पे दिख शिट भाई, छत के ऊपर स्नाइपर्स गाइस, देख रहे हो आप लोग, एक दो और तीन स्नाइपर्स है ब्रो। गेट पे भी देख, गार्ड है भाई, गार्ड खड़ा गेट पे भाई, और अंदर भी है, फुल सिक्योरिटी है, उसरिस मारे जाएंगे पीछे। भाई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा यहाँ पे, तो अपन कैसे जाएंगे? कुछ प्लान है क्या भाई? मेरे को कोई आइडिया नहीं है यार, मैंने सोचा ही नहीं था इतने बंदे होंगे यहाँ पे। भाई अपने पास तो गन भी पिद्दी सी है भाई। रुको यार, मैं शायद नहीं, एम भी नहीं पहुंच रहा वहां तक मेरे भाई। तुक्का है, अगर गलती से शॉट पड़ गया ना, वो लोग गन की आवाज सुन के पेल देंगे अपने को। देखो लेजर सेंसर्स वगैरह, फुल सिक्योरिटी है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर अपने को इसके बेस के अंदर घुसने का है ना, तो अपने को इसके सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े चाहिए रहेंगे। तो वेट करते हैं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड इसके मेंशन से बाहर निकले, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसका फॉलो करेंगे और उसको मार के उसके कपड़े चुरा लेंगे। अरे नाइस आइडिया। और सुन, एक काम करते हैं ना, वो TNT फैक्ट्री वाला के ऊपर अपना एहसान तो बाकी है, उधर से थोड़े से TNT चुरा के ब्लैंक जगहों पे लगा देते हैं इनके पुराने अड्डों पे। उधर ब्लास्ट होगा, इधर से गार्ड्स भी चले जाएंगे थोड़े। हाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है तुम फटाफट जाओ, तुम TNT वाले के पास जाओ, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, अगर कोई निकले तो मैं उससे वो उसके कपड़े छीन लूंगा। हाँ तू नजर रखना। गाइस अंदर से एक गाड़ी बाहर आ रही है, इसके अंदर ये बॉडीगार्ड है। कहीं तो जा रहा है भाई, यही सही मौका है, इसका पीछा करते भाई। पक्का ये कोई ऐसी लोकेशन पे जाएगा जहाँ पे खाली होगा, वहाँ पे मैं इसको पेल दूंगा भाई और उसके कपड़े चुरा लेंगे गाइस, जिससे मैं इस मैंशन के अंदर इजीली एंटर कर सकूँ। चलते भाई, तो बहुत स्पीड में जा रहा है क्योंकि गाइस ये देखो भाई, ये बॉडीगार्ड यहाँ पे फिलहाल को इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आया, पता नहीं किसी डील के चक्कर में आया होगा, पर यही सही मौका, यहाँ पे मेरे को कोई भी दिख तो नहीं रहा है एज इट इज। तो एक काम करते, मेरे पास बंदूक लोडेड है और इसकी ऐसे की तैसी करते गाइस। ओ जा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, ये ले बेटा, तेरी ऐसी की तैसी, भाग रहा है। Let's go, भाई मैंने इसको पहन दिया। ओके, तो इसके कपड़े यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं, मैं इसके फटाफट से कपड़े पहन लेता हूँ। और इसी के साथ भाई ये लास्ट अड्डे पे भी लग चुके हैं माइंस, अगर सब ठीक रहता है तो ब्लास्ट होगा इन 3-2-1। यस, मेरा काम खत्म, अब बाकी सब डिपेंड करता है युग पे, अब चल के उस माफिया को। ए ओसरिस, ये देख कपड़े पहन के आ गया, पहचान पा रहे क्या? ए ये पागल है भाई, सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ मैं, हूँ युग भाई, कपड़े पहन के आ चुका हूँ, लग रहा हूँ ना एकदम गार्ड ऐसा कड़क वाला भाई, क्या कड़क सूट है, मस्त लग रहा है ये बिना बात। अच्छा एक काम करते, देखो उसरिस अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हारे पास कोई सूट नहीं है ऐसा बॉडीगार्ड का, तो तुम बाहर रहोगे, मैं अंदर जाऊंगा, एक एक करके एनिमीज को बाहर से तुम टेक डाउन कर लो, अंदर जाके माफिया को ठोक के आता हूँ, बात खत्म, ठीक है? परफेक्ट चीज है इस चीज के लिए मेरे पास, देखिएगा दिखाओ। ओ RPG, नाइस, चलो एक गया, रीलोड मारते हैं इसको जल्दी से और एक टेक डाउन करेंगे भाई के साथ में। पहचान ही नहीं पाएंगे, मैं भी इनके जैसा ही दिख रहा हूँ गाइस। ओके चलता हूँ, मैं फायरिंग हो रही है थोड़ी बहुत यहाँ पे, वो माफिया अंदर ही है ना, ये रहा माफिया डाउन, मैं इसको देख चुका हूँ, ये रहा साले, तू नहीं मारा है ना मेरे दोस्त विजय को, ये ले बेटा ये ले, पेल दिया उसको, पेल दिया, निकलो, भागो, भाग, शिट फायरिंग हो रही है, जो काम करता हूँ, इसकी गाड़ी चुरा लेता हूँ मैं यहाँ से, इसकी ऐसी की तैसी, ओ लेट्स गो, उसी से मैंने इसकी गाड़ी चुरा ली है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, हाँ मैं आ रहा हूँ, भाई रिवर्स लेता हूँ, अबे शिट उसी से गाड़ी टूट गई मेरी, मैं निकलता हूँ भाई, आ रहा हूँ तुम्हारे पास, चल भाई फायरिंग मत कर, वो लोग आ जाएंगे, फायरिंग मत कर भाई, चल लेट्स गो सुरेश, हमारा काम हो गया फाइनली भाई, हमने विजय का रिवेंज ले लिया ब्रो, AWM वगैरह एकदम कड़ा।
भाई बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। ये ना बात, चल चल चलते हैं भाई। बट योग सुन, हाँ विजय जैसा तुझे पता है इस सर्वर में एक भला इंसान था, उसको चाहिए था इस सर्वर में सब अच्छा रहे। हाँ। तो अब फाइनली टाइम आ गया है कि तेरे इस वाले जो अवतार है ना, इसको यूज करके क्यों ना हम गुंडों को इसी तरीके से खत्म करें। सही बात है भाई, के करके पूरे शहर के गुंडों की ऐसी तैसी कर देंगे। चलो सरेश।